सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत उत्तराखंड से जुड़ी एक अहम खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। राष्ट्रपति ने कोश्यारी की नियुक्ति कर दी है। आपको बताएं कि कोश्यारी भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं। जब उत्तराखंड बना था तो वो तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 2001 से 2002 के बीच वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2002 से 2007 तक का उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाला और इसके बाद 2008 से 2014 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनके गवर्नर बनने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उन्हें बधाई दी है, साथ ही इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। भगत सिंह कोश्यारी पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने स्वयं लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके पहले की लोकसभा में वो मेंबर पार्लियामेंट रहे और अब उनको नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र का गवर्नर। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं तो एक महत्वपूर्ण नियुक्ति। शिक्षक और पत्रकार भी रहे भगत सिंह कोश्यारी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र का राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद आज हरिद्वार पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल मनोनीत किए जाने पर भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री और अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल बनाकर उत्तराखंड का सम्मान किया। शायद मेरे से अधिक मेरे उन कार्यकर्ता बंधु बहनों का है जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में उत्तराखंड में एक 57 सीटें लाने की इस मुहिम तक पहुंचने में हमको सहयोग दिया, पार्टी को आगे बढ़ाया। तो मैं सोचता हूं कि ये ऐसे उत्तराखंड के सारी जनता का ये सम्मान है और मैं कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र जा कर के मैं उत्तराखंड के और देश के सम्मान को और महाराष्ट्र के सम्मान को बनाए रखूं और कोशिश करूंगा कि मेरे से जो भी विनम्र सेवा हो सके वो अच्छी से अच्छी कर सकूं। भगत सिंह कोश्यारी जाहिर सी बात है इलेक्टेड फील कर रहे थे आज इस घोषणा के बाद और अब वो महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में कोश्यारी के समर्थकों ने भी उन्हें राज्यपाल बनाने पर जश्न मनाया। उनके समर्थक वहां पर झूमते दिखाई दिए। अगली खबर का रुख करते हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बेंगलुरु दौरे पर गए थे। वहां पर उत्तराखंड के हित में कई चर्चाएं हुई और उत्तराखंड में ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर समेत कई फैसलों की जानकारी दी। क्या कुछ रहा इस दौरे पर, इसको लेकर हमारे संवाददाता अजीत राठी ने मुख्यमंत्री से खास बातचीत की। अभी दो तीन दिन पहले ही बेंगलोर में एक नॉर्दर्न इंडियाज इन्वेस्टर समिट हुई थी और मुख्यमंत्री जी उसमें भी निवेश की संभावनाएं तलाशने गए थे। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या संभावनाएं वहां से वो लेकर आए हैं। त्रिवेंद्र जी आपका स्वागत है। और अभी आप दो तीन दिन पहले बेंगलोर में थे, वहाँ नॉर्थ इंडिया की जो इन्वेस्टर समिट हुई थी तो वहाँ आप गए थे, आपने आपके हमारे राज्य ने एक प्रतिनिधित्व किया, अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो वहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज अपने राज्य के लिए लग रही है कि जो अच्छा हो सकता है? देखिए, जो हमारी ये समिट हुई थी ये इन्वेस्ट नॉर्थ इसको नाम दिया गया था। इसमें लगभग जो ऑडियंस और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर हम देखें तो लगभग 200 लोग उसमें उन्होंने भागीदारी उसमें किया, उत्तराखंड, पंजाब और यहाँ के, यहाँ मैंने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे सहयोगी सतपाल महाराज जी ने और इस तरह से जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और राजस्थान के कुछ अधिकारी वहाँ पर आए थे। जो हमारे पक्ष में जो बात आती है
वो ये है कि ड्रोन पर हमने इनिशिएटिव लिया। ड्रोन फर्स्ट देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर ये देहरादून में हमने स्थापित किया और एक ड्रोन फेस्टिवल हमने यहाँ पर किया था। उसका परिणाम और ये गया कि उत्तराखंड में इसके लिए एक अनुकूल माहौल है, तो ड्रोन के क्षेत्र में यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और उससे अच्छा रोज़गार भी मिलेगा। या किस तरह की कोई हेल्प चाहिए? देखिए, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो सुविधाएं हैं उसके अलावा उनकी कोई ऐसी कोई विशेष डिमांड नहीं है कि भाई हमको ऐसी सुविधा चाहिए या हमको इसके कोई अतिरिक्त सुविधा चाहिए, ऐसी कोई डिमांड उन्होंने हमारे सामने नहीं की है। लेकिन इन्वेस्टर ये ज़रूर चाहता है कि उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो समय पर उन पर स्वीकृतियाँ हो जानी चाहिए, शासन में उनके लिए तंगी नहीं होना चाहिए। तो जब हम उनको बताया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर हम स्वीकृतियाँ दे देते हैं, लैंड की जहाँ तक बात है तो लैंड को हमने उसकी सीमाएँ बढ़ाई हैं कि कोई इन्वेस्टर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लैंड की जो सीलिंग थी पहले उसको हमने हटाया है ताकि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आए, यहाँ पर अब इन्वेस्ट करे, हमारे लोगों को रोज़गार मिले, देश को उत्पाद मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री जी, जो हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था उसको एक साल होने जा रहा है, काफ़ी चीज़ें उसमें ग्राउंड पे आ भी गई हैं, करीब 16,000 करोड़ का निवेश ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल आ गया है, तो अभी इसका क्या अपडेट है और इसकी गति क्या है आपके हिसाब से, आप सेटिस्फाई हैं इससे? निश्चित रूप से 17,000 करोड़ रुपया हमारा इस समय ग्राउंड पर आ गया है जो इस समय जिस पर काम प्रारंभ हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट का सोचा था तो हमको ये लगता था कि 30-35 हज़ार करोड़ के मैक्सिमम 40,000 करोड़ के प्रस्तावों पर ही समझौता पत्र पर साइन होंगे, लेकिन वो 1,00,000 करोड़ से ऊपर चला गया, लगभग 1,25,00,000 करोड़ चला गया और इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट आएगा ये हमको लगता नहीं था। और मुझे ये उम्मीद है कि जो 2020 तक ये 20,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण निवेश उत्तराखंड में आने वाला है और ये भी बताया कि एक तय अवधि में निवेशक की सारी समस्याओं का समाधान होगा, उनको अनुमति दी जाएगी और यहाँ एक माहौल जो हमने तैयार किया है निवेशकों के लिए वो बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत पेयजल योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पर उन्होंने 22 करोड़ की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में है, इस योजना के तैयार होने के बाद क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने को लेकर नया अभियान चलाने जा रही और इसके तहत सितंबर महीने में प्रदेश के सभी कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों को गोद दिलाया जाएगा। इसके साथ साथ पूरे महीने चलने वाले पोषण अभियान के तहत न सिर्फ कुपोषित बच्चों को अधिकारी गोद लेंगे बल्कि प्रदेश में कार्यशाला चलाकर जनता को विशेष रूप से कुपोषण, एनीमिया और डायरिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। महिला कल्याण एवं बाल विकास सचिव सौजन ने बताया कि प्रदेश में करीब 1600 बच्चे अति कुपोषण के शिकार हैं, उनकी जिलावार सूची बनाई जा रही है। इन बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए राज्य में ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पूरा मंथ में ये पोषण अभियान हम पूरा राज्य में लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है बाकी डिपार्टमेंट से जो करना है वो भी हम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जॉइंट मीटिंग होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन डे करके, लास्ट सैटरडे होता है हर महीने का, तो उसका बैठक हम कराएंगे, उसके बाद कार्यशालाएँ कराएँगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हैंड वॉश, ये जो अभियान है उसमें 5 मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये पहला 1000 डेज का एनीमिया को एड्रेस करना, डायरिया को एड्रेस करना, हैंड वॉश जरूर कराना और पौष्टिक आहार को खाने के लिए,
तो लास्ट टू जो हैंड वॉश और पौष्टिक आहार का मेन, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं, और मध्यान्ह भोजन जहाँ जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे हम उनको इसका प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, हैंड वॉश और जो उसमें पौष्टिक तत्व होना चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स है या नहीं उसको चेक कराना। और अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान खटीमा में हुए गोलीकांड की बरसी पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न होने पर नाराजगी भी जाहिर की। राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर चली गोली में 7 आंदोलनकारियों की जान चली गई थी। राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड की 25वीं बरसी पर खटीमा में स्थानीय लोगों और राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसमें स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि और राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नैनीताल सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी स्मारक पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत के फलस्वरूप ही हमें उत्तराखंड राज्य मिल पाया है। उत्तराखंड राज्य तो मन से खटीमा के वो भूपेंद्र खोले जी कैप्टन है, जरा दो मिनट बता दें सच पे, वहां पे बता देंगे जो है। अगली खबर का रुख करते हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बेंगलुरु दौरे पर गए थे, वहां पर उत्तराखंड के हित में कई चर्चाएं हुई और उत्तराखंड में ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर समेत कई फैसलों की जानकारी दी। क्या कुछ रहा इस दौरे पर, इसको लेकर हमारे संवाददाता अजीत राठी ने मुख्यमंत्री से खास बातचीत की। अभी 2-3 दिन पहले ही बेंगलोर में एक नॉर्दर्न इंडियाज इन्वेस्टर समिट हुई थी और मुख्यमंत्री जी उसमें भी निवेश की संभावनाएं तलाशने गए थे, तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या संभावनाएं वहां से वो लेकर आए हैं। त्रिवेंद्र जी आपका स्वागत है। और अभी आप 2-3 दिन पहले बेंगलोर में थे, वहां नॉर्थ इंडिया की जो इन्वेस्टर समिट हुई थी तो वहां आप गए थे, आपने आपके हमारे राज्य ने एक प्रतिनिधित्व किया, अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो वहां से क्या पॉसिबिलिटीज अपने राज्य के लिए लग रही है कि जो अच्छा हो सकता है? कि जो हमारी ये समिट हुई थी, ये इन्वेस्ट नॉर्थ इसको नाम दिया गया था। इसमें लगभग जो ऑडियंस और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर हम देखें तो लगभग 200 लोग उसमें उन्होंने भागीदारी उसमें किया, उत्तराखंड, पंजाब और यहाँ के, यहाँ मैंने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे सहयोगी सतपाल महाराज जी ने, और इस तरह से जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और राजस्थान के कुछ अधिकारी वहाँ पर आए थे। जो हमारे पक्ष में जो बात आती है वो ये है कि ड्रोन पर हमने इनिशिएटिव लिया, ड्रोन फर्स्ट, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर ये देहरादून में हमने स्थापित किया और एक ड्रोन फेस्टिवल हमने यहाँ पर किया था। उसका परिणाम और ये गया कि उत्तराखंड में इसके लिए एक अनुकूल माहौल है, तो ड्रोन के क्षेत्र में यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और उससे अच्छा रोजगार भी मिलेगा। या किस तरह की कोई हेल्प चाहिए? देखिए, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो सुविधाएं हैं उसके अलावा उनकी कोई ऐसी कोई विशेष डिमांड नहीं है कि भाई हमको ऐसी सुविधा चाहिए या हमको इसके कोई अतिरिक्त सुविधा चाहिए, ऐसी कोई डिमांड उन्होंने हमारे सामने नहीं की है। लेकिन इन्वेस्टर ये ज़रूर चाहता है कि उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो समय पर उन पर स्वीकृतियाँ हो जानी चाहिए, शासन में उनके लिए तंगी नहीं होना चाहिए। तो जब हम उनको बताया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर हम स्वीकृतियाँ दे देते हैं, लैंड की जहाँ तक बात है तो लैंड को हमने उसकी सीमाएँ बढ़ाई हैं कि कोई इन्वेस्टर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लैंड की जो सीलिंग थी पहले उसको हमने हटाया है ताकि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आए, यहाँ पर अब इन्वेस्ट करे, हमारे लोगों को रोज़गार मिले, देश को उत्पाद मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री जी, जो हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था उसको 1 साल होने जा रहा है, काफ़ी चीज़ें उसमें ग्राउंड पे आ भी गई हैं, करीब 16,000 करोड़ का निवेश ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल आ गया है, तो अभी इसका क्या अपडेट है और इसकी गति क्या है आपके हिसाब से, आप सेटिस्फाई हैं इससे? निश्चित रूप से 17,000 करोड़ रुपया हमारा इस समय ग्राउंड पर आ गया है, जो इस समय जिस पर काम प्रारंभ हो गया है।
तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट का सोचा था तो हमको ये लगता था कि 30-35 हज़ार करोड़ के मैक्सिमम 40 हज़ार करोड़ के प्रस्तावों पर ही समझौता पत्र पर साइन होंगे, लेकिन वो 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, लगभग 1.25 लाख करोड़ चला गया। और इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट आएगा ये हमको लगता नहीं था, और मुझे ये उम्मीद है कि जो 2020 तक ये 20 हज़ार करोड़ रुपया क्रॉस कर जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण निवेश उत्तराखंड में आने वाला है, और ये भी बताया कि एक तय अवधि में निवेशक की सारी समस्याओं का समाधान होगा, उनको अनुमति दी जाएगी, और यहाँ एक माहौल जो हमने तैयार किया है निवेशकों के लिए वो बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत पेयजल योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पर उन्होंने 22 करोड़ की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में है, इस योजना के तैयार होने के बाद क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने को लेकर नया अभियान चलाने जा रही है, और इसके तहत सितंबर महीने में प्रदेश के सभी कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों को गोद दिलाया जाएगा। इसके साथ साथ पूरे महीने चलने वाले पोषण अभियान के तहत न सिर्फ कुपोषित बच्चों को अधिकारी गोद लेंगे, बल्कि प्रदेश में कार्यशाला चलाकर जनता को विशेष रूप से कुपोषण, एनीमिया और डायरिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। महिला कल्याण एवं बाल विकास सचिव सौजन ने बताया कि प्रदेश में करीब 1600 बच्चे अति कुपोषण के शिकार हैं, उनकी जिलावार सूची बनाई जा रही है। इन बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए राज्य में ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पूरा मंथ में ये पोषण अभियान हम पूरा राज्य में लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है बाकी डिपार्टमेंट से जो करना है वो भी हम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जॉइंट मीटिंग होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन डे करके, लास्ट सैटरडे होता है हर महीने का, तो उसका बैठक हम कराएंगे, उसके बाद कार्यशालाएँ कराएँगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हैंड वॉश, ये जो अभियान है उसमें 5 मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये पहला 1000 डेज का एनीमिया को एड्रेस करना, डायरिया को एड्रेस करना, हैंड वॉश ज़रूर कराना और पौष्टिक आहार को खाने के लिए, तो लास्ट 2 जो हैंड वॉश और पौष्टिक आहार का मेन, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं, और मध्यान्ह भोजन जहाँ जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे हम उनको इसका प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, हैंड वॉश और जो उसमें पौष्टिक तत्व होना चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स है या नहीं उसको चेक कराना। और अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान खटीमा में हुए गोलीकांड की बरसी पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न होने पर नाराजगी भी जाहिर की। राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर चली गोली में 7 आंदोलनकारियों की जान चली गई थी। राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड की 25वीं बरसी पर खटीमा में स्थानीय लोगों और राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसमें स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि और राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नैनीताल सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी स्मारक पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत के फलस्वरूप हमें उत्तराखंड राज्य मिल पाया है। उत्तराखंड राज्य तो मेरे मन से खटीमा के वो उपेंद्र खोले जी के आपके कैप्टन हैं, जरा 2 वर्ड बता दें सच पे, वहां पे बता देंगे जो है। कुमाऊं के डीआईजी जगत राम जोशी ने आज थानों का निरीक्षण करने वो खटीमा पहुंचे। डीआईजी ने पहले खटीमा कोतवाली का निरीक्षण किया और उसके बाद झनकाइया और नानकमत्ता थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों को दुरुस्त करने के कमियों जो है वहाँ पे उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
डीआईजी ने जवानों की बैठक लेकर उनके समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही बेहतर पुलिसिंग के लिए भी जवानों को निर्देश दिए, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीमांत कोतवाली होने के कारण अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया। उत्तराखंड के मतदाता अब निर्वाचन आयोग के सत्यापन अभियान से जुड़कर वोटर लिस्ट को 100% सही बना सकते हैं। इसकी आज से राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुरुआत कर दी है। दरअसल 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले वोटर सत्यापन अभियान के तहत वोटर ऑनलाइन www.nvsp.in पर भी पहचान पत्र की खामियों को दूर करा सकते हैं। इस अभियान में वोटर कार्ड में दर्ज अपने और अपने परिवार के विवरण की जाँच करके उसे प्रमाणित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से रास्ते बंद हो गए हैं और नालों का पानी रास्तों के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग के बांगर इलाके में लोग उभंदे नालों को पार करने में बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें, देखिए आप, गाड़ी फंसी पड़ी है, लोग जान जोखिम में डालकर ये नाले पार कर रहे हैं और कैसे वो हम आपको दिखा रहे हैं। बांगर इलाका है रुद्रप्रयाग का, मजबूर हैं लोग इन उफनते नालों को पार करने के। बारिश से ज्यादातर रास्ते बर्बाद हो गए। उफनते नाले सड़कों के ऊपर से बह रहे हैं, लोग इन्हें पार करने को मजबूर, उनके पास कोई विकल्प नहीं, जान जोखिम में डाल। हमारे संवाददाता रोहित डिमरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रोहित, हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, लोग जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार कर रहे हैं, ऐसे और कितने उदाहरण आपको वहां पर दिखाई दिए? जैसे कि जिला में कह सकते हैं कि कहीं ऐसे स्थान है जहां पर आज भी पुलियों का निर्माण नहीं हुआ, कहीं वहां शासन प्रशासन के पास जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आवाज उठाई है, कहीं उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया है। और तो बांगत की यह बात है, सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं कि दो पुलियों को निर्माण नहीं हुआ तो गजरे उफान पर आ चुके हैं। गजरे उफान पर आने का जो असर जनता है वो जान जोखिम में डालकर सफर तय करने को मजबूर है। इसके अलावा यहाँ पे एक गाड़ी का जो आवागमन है वह कठिन हो रहा है। आज समय चलता है वह हाथ पकड़ के नदी को पार कर रही है, कहीं बह जाए या ऐसी संभावना यहाँ पे हर समय नहीं रहते। कह सकते हैं काफी दिक्कतें जो कह सकते हैं यहाँ पर काफी हैं, लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही है। बावजूद जिला प्रशासन या सरकार है वह यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं बनाने में नाकाम है। जो पुलियाओं का निर्माण है वह 5 से 6 सालों से अटका पड़ा हुआ है और ये लोग यहाँ पर जो है जान जोखिम में डालकर सफर करने में मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। इधर रुड़की के मंगलौर और नारसन क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने बिजली विभाग के SDO को बिजली कटौती बंद करने की चेतावनी दी। किसानों का आरोप है कि बिजली विजिलेंस की टीम लगातार क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है लेकिन बिजली विभाग उपभोक्ताओं को समय पर बिजली नहीं दे रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि चीनी मिलों ने अभी तक किसानों का गन्ना बकाया भुगतान नहीं किया है और इसे किसान अपने बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 4 सितंबर तक बिजली कटौती बंद नहीं की गई तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। रामनगर में महिला ने एक युवक पर उसे छेड़ने और तेजाब डालने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रामनगर कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि युवक उसे बहुत समय से परेशान कर रहा है, उसके बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहा है और लड़की को बार बार तेजाब डालकर जलाने की धमकी भी दे रहा है। लड़की ने रामनगर कोतवाली में तहरीर देकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही।
वहीं पुलिस ने लड़की की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। रामनगर में गाजियाबाद से आए पर्यटकों ने कुछ दिन पहले पुलिस से अभद्रता की थी। इस मामले में पुलिस ने पर्यटकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डाले, पुलिस से अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर दो महिलाओं और एक पुरुष पर्यटक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला सिटी पेट्रोल यूनिट से जुड़ा है, जो शनिवार को आमडंडा में वाहन चेकिंग पर थे। इस दौरान रामनगर की ओर से आ रही एक कार को सीपीयू ने रोक दिया, जिसमें पर्यटक बच्चे को गोद में बैठा कर ड्राइव कर रहा था। इसको लेकर सीपीयू कर्मियों ने उसका चालान काटने को कहा। यह सुनते ही पर्यटक गुस्से में आ गया और सीपीयू कर्मियों से उसने बदतमीजी शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण पंचायती मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पूरा एक घंटा चोर अंदर घुसकर तसल्ली से चोरी करते रहे, लेकिन किसी को इस बात का पता तक नहीं चला। चोरी का पता तब चला जब मंदिर के अंदर सोए पुजारी उठे तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद आनंद फानन में मंदिर के पुजारियों ने पुलिस को बुलाकर पूरी घटना बताई। वहीं चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हैरत की बात यह थी कि चोर मंदिर के अंदर से सिर्फ बड़े बड़े नोट ही उठाकर ले गया, छोटे नोट उसने फर्श पर ऐसे ही फेंक दिए। बड़े आराम से एक घंटे तक वो चोरी करता रहा। अभी तक तहरीर इसमें आई नहीं है, कल देर रात्रि का मामला है। तो सूचना पे जो है आरागढ़ की फोर्स और डालनवाला से फोर्स वहाँ मौके पे पहुंची। जो सीसीटीवी फुटेज में बंदा आया है और जो एक गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है उसके संबंध में भी जो है अभी संपूर्ण रूप से जांच की जा रही है और उसी के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और रात्रि के समय में कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने हनुमान मंदिर का शटर तोड़ा, ताला तोड़ा और ताला तोड़ करके अंदर मंदिर के अंदर घुसा और फिर दान पात्र के ताले तोड़ करके, दान पात्र तोड़ करके बड़े नोट 1,500 2,000 के 200 के नोट सारे ले गए। अच्छा, ये कितने पैसे ले गए आप लोगों ने गिनती की होगी? अब गिनती तो ऐसा पता नहीं लगता, मगर ये कि भाई अब तो इनके पता लगेगा, मगर लगो 40-50 हजार रुपये तो ले ही गया। अब टेहरी की बात करते हैं। वहां डेंगू अपने पैर पसार रहा है, बुखार के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 70 से ज़्यादा मरीज हर रोज़ अस्पताल पहुंच रहे हैं, इनमें से कई मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। वायरल बुखार से स्वास्थ्य विभाग में भी खलबली है, सफाई के सुझाव के साथ दवाओं का छिड़काव भी वहां पर हो रहा है। तो डेंगू का कहर टेरी में और इससे बचने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, साफ सफाई किया जा रहा है, दवाओं का छिड़काव हो रहा है। टेहरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हल्द्वानी में भी डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कई लोगों को डेंगू बुखार पाया गया है जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। और रोज़ाना डेंगू बुखार और सामान्य बुखार के दर्जनों मरीज सुशीला तिवारी अस्पताल और बेस अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू की वजह से जिला प्रशासन द्वारा शहर को कई जोन्स में बांटा गया है, जिसमें एक्स्ट्रा टीम लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाने से लेकर फॉगिंग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। डेंगू की रोज़ाना मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी कर रहे हैं। अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बावरिया गैंग की दस्तक सुनाई दे रही है। बावरिया गैंग बाघों के कुख्यात शिकारी माने जाते हैं और इसीलिए इलाके में इनके सक्रिय होने से हड़कंप मचा हुआ है। इन दिनों कॉर्बेट में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए बावरिया गैंग ने इधर का रुख कर लिया है। प्रशासन अलर्ट हो गया है, कॉर्बेट में हर इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता दानिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश,
ये जो बावरिया गैंग है ये किस तरह से सक्रिय हुआ है, क्या रिपोर्ट्स हैं इसके पास? देखिए मैं आपको बता दूं, ये केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन कंपनियों से इनको यहाँ पर सूचना मिली थी कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के बावरिया के कुछ सदस्य कॉर्बेट पार्क की ओर आए हैं। जैसा इन्होंने अपनी लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के थ्रू जांच निकाली तो 3 सदस्य हैं बावरिया गैंग के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास देखे गए हैं, जो पार्क के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पार्क प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सभी अरे और अधिकारियों की छुट्टियां यहाँ कैंसिल कर दी गई हैं। पूरी तरह से जो यूपी से लगी हुई सीमाएं हैं कॉर्बेट पार्क की, उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पर्यटन जो घूमने आने वाले हैं उनकी भी जो घूमने की तिथियां थी उनको भी बदला जा रहा है और उनके जो परमिट है उनको भी कैंसिल करने की बात जिम कॉर्बेट पार्क के अधिकारी कर रहे हैं। पूरी तरह से दस्त की जा रही है कॉर्बेट पार्क में, ताकि कोई भी घटना ना घट सके। इससे पहले भी बावरिया गैंग के लोगों ने कॉर्बेट पार्क में कई बाघों का शिकार किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका दानिश। इधर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगड़ के पास पिछले 72 घंटों से बंद पड़ा हुआ है। लगातार पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, इसकी वजह से तीर्थयात्रियों की जान पर भी खतरा है। सड़क मार्ग खोलने में लगी हुई जेसीबी मशीन के ऑपरेटर और साइड इंचार्ज की जान भी खतरे में आ रही है। बारिश की वजह से बड़े बड़े पेड़ और पत्थर सब बद्रीनाथ हाईवे पर गिर रहे हैं, इसीलिए इस रास्ते के खुलने में भी और समय लग सकता है। मौके पर पुलिस और SDRF की टीम को लगा दिया गया है, जो तीर्थ यात्रियों को एक ओर से दूसरी ओर पहुंचा रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे उत्तराखंड प्राइम। धन्यवाद।